नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर एक, अभी भी चीनी सैनिकों को बाहर निकालना बाकी। भारतीय दावे के 1.5 किलोमीटर के भीतर चीनी सैनिक अभी भी पूर्वी लद्दाख से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की भारत की धारणा के भीतर पदों पर कब्जा किए हुए हैं। चीनी सैनिकों ने मई में LAC के भारतीय पक्ष में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रवेश किया था और एक विघटन योजना के अनुसार 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए और बाद के चरणों में और 1 किलोमीटर पीछे गए। अब लगभग 1.5 किलोमीटर खाली होना बाकी है। नंबर दो, संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी ने बहुपक्षीय सुधार के लिए आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से विश्व निकाय के भीतर सुधार की प्रतिज्ञा करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुपक्षीय प्रणाली को अधिक प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता है और भारत का मानना है स्थायी शांति और समृद्धि का पथ बहुपक्षवाद के माध्यम से होकर गुजरता है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC के एक उच्च स्तरीय संवाद में बहुपक्षवाद के विषय पर कहा, हमें किस तरह की UN की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पैदा हुआ था। आज महामारी का प्रकोप इसके पुनर्जन्म और सुधार के लिए संदर्भ प्रदान करता है। हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। उनकी इस बात को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक स्थायी सीट के संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद उसके 6 प्रमुख अंगों में से एक है। नंबर तीन, केंद्रीय नौवहन मंत्री ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए पहले कंटेनर जहाज को रवाना किया। केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। यह बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्गो की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के समझौते पर किया गया है। यह बांग्लादेश के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने के लिए वैकल्पिक और छोटा मार्ग प्रदान करेगा। नंबर चार, भारत ने गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2015 के बीच लगभग 2.73 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यह दुनिया के किसी भी देश में सबसे बड़ी दर्ज की गई कमी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और ऑक्सफर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि OPHI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 75 देशों में से 65 देशों ने 2000 और 2019 के बीच अपने बहुआयामी गरीबी स्तर को काफ़ी कम कर लिया है। बहुआयामी गरीबी में विभिन्न अभाव शामिल हैं। अपने दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले अभाव जैसे कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, जैसे अभावों को मापा जाता है। करीब 65 देशों ने अपने बहुआयामी गरीब सूचकांक यानी कि MPI मूल्य को कम किया और उनमें से 50 देशों ने गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को भी कम किया। रिपोर्ट में कहा गया है, सबसे बड़ी कमी भारत में थी जहां लगभग 273 मिलियन लोग 10 साल में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 देशों आर्मेनिया, भारत, निकारगुआ और उत्तरी मैसेडोनिया ने अपने वैश्विक MPI मूल्य को आधा कर दिया और यह केवल 5.5 से 10.5 वर्षों में किया गया है। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा दोषियों को छूट देने के मुद्दे को बड़ी पीठ को संदर्भित किया। क्या 14 साल की जेल की सजा काट रहे दोषियों को समय से पहले एक राज्य द्वारा बनाई गई एक आम नीति के आधार पर रिहा किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश SS बोबड़े से एक बड़ी पीठ के समक्ष प्रश्न का उल्लेख करने के लिए कहा।
इस मुद्दे पर प्रचलित कानून मारू के मामले में न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा 1980 के केस राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में दिया गया एक निर्णय है। 1980 के इस केस में एक हत्या के दोषी प्यारेलाल की जमानत याचिका के संदर्भ में कानूनी सवाल खड़ा हो गया था। शीर्ष अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की एक नीति के अनुसार हरियाणा के राज्यपाल द्वारा छूट का लाभ दिए जाने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार पुरुष कैदियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा माफ़ की जाती है अगर उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है और उन्होंने 8 साल की सज़ा पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्यारेलाल के मामले में हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया था कि किसी भी मामले से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत तथ्य या सामग्री राज्यपाल के सामने नहीं रखी गई थी और प्रत्येक मामले में लाभ कार्यकारी द्वारा ही दिया गया था। एक राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा देने की शक्ति है। बड़ी बेंच यह भी देखेगी कि क्या व्यायाम दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 433A के तहत आवश्यकताओं को ओवरराइड किया जा सकता है। यह धारा कहती है कि एक व्यक्ति जो जीवन अवधि की सज़ा काट रहा है उसे 14 साल जेल की सज़ा काटे बिना छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अब समय है आज के सवाल का। आज का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में एक संवैधानिक पीठ की न्यूनतम निर्धारक संख्या कितने न्यायाधीशों की है? आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या 8। आप अपने उत्तर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे छोटा है। आपके ऑप्शन थे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या मालदीव। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है मालदीव। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।